तो 2021 में स्टार्टिंग से ही कुछ स्मार्टफोन्स में जो कि व्हाट्सएप है वो चलना बंद हो जाएगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में कि हमारे फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा, मतलब पूरा माजरा क्या है। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा कि ये क्यों आ रहा है जो रूल है व्हाट्सएप की तरफ से, ये क्यों मतलब इतना वायरल हो रहा है, और मतलब पूरी डिटेल, और कौन से स्मार्टफोन्स में जो है वो बंद होने वाला है व्हाट्सएप चलना 2021 स्टार्टिंग से, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप की टीम की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, जिसके अंडर ये लिखा गया है कि जितने भी स्मार्टफोन हैं जो कि एंड्रॉयड 4 से नीचे हैं, मतलब एंड्रॉयड 4 जो वर्ज़न है उससे नीचे हैं, उन्होंने अपडेट अभी तक नहीं किया है, या फिर iOS जो है एप्पल iOS 9 से नीचे है, उन सभी स्मार्टफोन्स में चाहे वो किसी का भी ब्रांड हो उसमें व्हाट्सएप सपोर्ट करना या फिर चलना बंद हो जाएगा 2021 स्टार्टिंग से। अब ये क्यों किया गया है, ये इसलिए क्योंकि आप लोग जानते ही हैं एंड्रॉयड 4 बहुत पहले आया था, मतलब आज से लगभग नियर अबाउट 8-8 साल पहले का ये वर्ज़न है। तो अब तक मुझे तो नहीं लगता है कोई ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें ये वर्ज़न अभी अवेलेबल होगा, और अगर होगा भी तो उसे अपडेट करना है, और अगर व्हाट्सएप वो चलाना चाहता है, और अगर उसने अपडेट नहीं किया तो उसका जो व्हाट्सएप है वो चलना बंद हो जाएगा। तो और बाकी iOS जो iOS 9 है, इस समय iOS 14 शायद चल रहा है, मतलब iOS में जो वर्ज़न है बायोनिक चिप है और बाकी अपडेट वाला वर्ज़न, तो उसमें 9 से नीचे जितने लोगों का है, जिन लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया है उन लोगों के स्मार्टफोन्स में व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। अब iPhone 4 या फिर iPhone 5S या फिर कोई मॉडल है उसमें व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा अगर उन लोगों ने अपडेट नहीं किया। तो अपडेट करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, और वहाँ पे आपको अपडेट सर्च करके वहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट आपको कर लेना है अगर आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, और अगर आपके पास कोई पुराने मॉडल का फ़ोन है तो। और बाकी व्हाट्सएप ने यह भी बताया कि कुछ स्मार्टफोन्स ऐसे भी हैं जिसमें कि जो व्हाट्सएप सपोर्ट है वो बंद कर दिया जाएगा, जैसे कि HTC के ढेर सारे फ़ोन्स हैं जो कि 5-6 साल पहले लॉन्च हुए थे, नोकिया के भी कई फ़ोन्स हैं, मतलब कई ब्रांड के काफ़ी फ़ोन्स हैं जो फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा पहले लॉन्च हुए थे, तो उसमें जो व्हाट्सएप का सपोर्ट है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, और केवल इन्हीं स्मार्टफोन्स में जो है वो बंद होने वाला है सपोर्ट जो है वो व्हाट्सएप का। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग मतलब मेरे से पूछ रहे थे कि इसका पूरा माजरा क्या है, पूरा सीन क्या है, तो ये सारी मतलब बातें है, तो आपको मिस अंडरस्टैंडिंग में नहीं पड़ना है। जो भी आप कर रहे हैं अपने नॉर्मल वर्क में बिजी रहिए, ये फिर ये जो वर्ज़न है ये बहुत कम लोगों के पास फ़ोन होगा, तो इसलिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, और जिसके पास ये फ़ोन है वो आप अपडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।